सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो अब हम लोग आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट में। अब हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट में और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कैसा है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत कामिंग और सूदिंग वाइब्स आ रही है यहाँ पे, ये देखो। और ये सब है अलग अलग स्टे, तो यहाँ पर होटल की तरह नहीं है, ये कारावैन वाले स्टे है। यानी कि जो वो होता है ना, जैसे कारावैन वाली वैन आती है, वैन नहीं है ये, मूवेबल नहीं है ये, एक जगह स्टेबल है। तो इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। और उस तरफ पीछे जाके ज़्यादा दूर नहीं बीच है, तो ये बीच के पास में ही सारा स्टे है। और ये वाला है हमारा, और देखो लाइट्स वगैरह उन्होंने रखे, कितना अच्छा लग रहा है। ये इप्सिता की कार खड़ी है यहाँ पे, आ जाओ। इप्सिता बोल दिया, सॉरी, आई एम सॉरी वरन्या। ये है एंट्रेंस, और यहाँ पर देखो ये इस तरीके से थोड़ा लेवल ऊपर करके उठाया हुआ है, इनको ईटों के ऊपर रखा हुआ है। और ये पूरा जैसे कि ट्रक होता है, आए जैसे कि ट्रक होता है, ट्रक की तरह इसकी बॉडी है, और उसके अंदर ही इन्होंने घर बनाया हुआ है स्टे करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, यहाँ पर है दो स्टेप्स ऊपर चढ़ने के लिए, और एक डोर है। चलो आ जाओ वरना अंदर, डोर क्लोज करते हैं क्योंकि ठंड आ रही है बाहर से काफ़ी ज़्यादा। सो यहाँ से डोर से व्यू कुछ ऐसा है, और यहाँ पे डोर बहुत अच्छा है, डोर बहुत अच्छा है, और यहाँ पे एक झाड़ू है। क्या है, क्या है यहाँ पर? यहाँ पे एक झाड़ू है, और एक एक डोर है, ताकि उसमें दो बेडरूम से आपको ले डाउन करना ऐसे। ये फर्स्ट बेडरूम है और इसमें लाइट्स भी है। इसमें लाइट्स भी है, तो वहाँ पर स्टोरेज के लिए कैबिनेट दिया हुआ है। और ये है एक डबल साइज बेड, और यहाँ पर है वार्डरोब, यहाँ पे एक और वार्डरोब, उसके साइड में मिरर। सो यहाँ से एंटर करेंगे, ये है फर्स्ट बेडरूम, ये है सेकंड बेडरूम। इसको जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से दो बेड है। तो इस तरह से हमें बेड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम मूव भी कर सकते हैं। तो इसको हम इधर प्लेस कर लेंगे, और इधर है क्लोथ स्टोरेज के लिए एक कैबिनेट, और ये है मिरर और ड्रेसिंग टेबल टाइप, मेकअप का सामान वगैरह यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद इसको कर देते हैं बंद। ये है हमारा वॉशरूम, और इधर है किचन। सो थैंकफुली यहाँ पर फ्लेमेबल गैस है, इधर है ओवन, इधर है पानी, इधर है सामने माइक्रोवेव, उसके नीचे छोटा सा फ्रिज, और वो है सिंक एरिया। तो किचन का व्यू कुछ ऐसा है, वहाँ पर ऊपर स्टोरेज के लिए अच्छे खासे कैबिनेट दिए हुए हैं, तो सामान हम अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। और ये है क्यूट सा लिविंग रूम, अच्छा खासा स्पेस है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। और लुक एट द व्यू, कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, चारों तरफ से ओपन है। और यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है, उस पर भी आराम से 5-6 लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। इधर है स्क्रीन, टीवी वगैरह देखने के लिए, अगेन स्टोरेज का काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। दोनों बेडरूम में अच्छे खासे कैबिनेट है स्टोरेज के लिए, और लिविंग रूम में भी अच्छा खासा स्टोरेज है। अब मैं आपको इसका 160 व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से ये कुछ ऐसा दिखता है, और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, लिटरली ये स्टे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कामिंग और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। दीपिका, तुमको कैसा लग रहा है? It feels like you're staying inside the bushes and the woods. What do you think about this place? This is so beautiful. So beautiful. And we're staying inside the woods. Yeah. And we have a lovely drawing room. Yes, beautiful drawing room. Thanks, guys. Yes. Thank we do you. Have a lovely living room. So. अब हम आए हैं आज थके हुए, तो अब हम बनाते हैं चाय, है ना? Yes. चाय बनाते हैं। जिंजर टी। हाँ जी। जिंजर ब्रेड इन अ कार।
बढ़िया अदरक वाली चाय बना के पीते हैं ताकि आज की पूरी थकान हमारी दूर हो जाए। हमारी थकान दूर हो जाए तो हम वॉक कर पाए। सही बात है, बट गैस इज स्टिल नॉट वर्किंग। तो ये लोग यही देखने गए ना कि गैस में क्या दिक्कत है। हम लोग उसके टुमारो जाने के लिए स्विमिंग पूल में जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें सारी कटलरी प्रोवाइड करी हुई है और आराम से बेटा अभी आपका हाथ आ जाता। और इधर है सारे कुकवेयर्स। हाँ, ब्यूटीफुल चम्मच है। एंड दिस इज द डस्टबिन और एक्स्ट्रा स्टफ किचन का। लास्ट अच्छा रूम का वो अलग से लगा हुआ है ना। और ये है वॉशरूम का डोर। हाँ, ये है टॉयलेट। और ये है काफी छोटा सा है, वो है ये क्या बोलते हैं शावर कैडी। इसका डोर काफी अच्छा है, छोटा है बट इट्स इनफ। ये है सिंक, अगेन बड़ा सा मिरर और थोड़ा सामान रखने के लिए जगह। तो यहाँ पर अभी हम लोग अपने सारी टॉयलेटरीज वगैरह सारा सामान सेट करेंगे, है ना, करेंगे ना। सो दिस इज इट फॉर द टूर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये प्लेस। हाँ जी, ये दिखा दिया स्टोरेज ना। हाँ, सो दिस इज इट फॉर द टूर। अब हम लोग कौन कर रहा है बर्तन साफ? ये पत्ती क्या करता है इसमें देख रहे हो? किसी भी कलर पे चल सकते हो, किसी भी पत्ती पे चल सकते हो, किसी भी चल सकते हो। अच्छा, और प्लस दूसरे उसी कलर पे चल सकते हैं। अच्छा, और इसमें सब तब ये चल दिया आपने। यहाँ पे बन रहे हैं हमारे चावल और चावल के साथ हम खाएंगे सब्जी जो हमारी ऑलरेडी मॉर्निंग की बची हुई रखी है। और जो चार उठाएगा दो लंच बॉक्सेस, इन दोनों में भी सब्जी है, इसमें भी सब्जी है। तो सब्जी हमारे पास इनफ है। यहाँ पर हमारे पास दही है और चावल, तो ये हम डिनर करने वाले हैं। हमारा डिनर ऑलमोस्ट बनने वाला है। डिनर करने के बाद हम लोग जाएंगे वॉक करने। तो फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।